किस्मत पे चल जाती बताओ कैसे चल सकती है शादी की चीखने के लिए बाहर चली गई घर से लेकिन ये अच्छी बात है हिराकी की, मैं तो फिर केयरलेस चलाता हूँ, बहुत मतलब देख के ठोकती नहीं हूँ। एक दफा ठोकी थी, तीन गाड़ियां एक साथ मैंने, चार चार रेंज रोवर, सिविक का दरवाजा आगे, पता नहीं कोई सिटी पीछे से। इतनी महंगे इलाके में कहां थी आपके, तीनों ही बड़ी गाड़ियां मिल गई। भाई मैं निकली गाड़ी चला रही थी, पीछे ना फुल काली गाड़ी ना, काले शीशों वाली के हल्का सा शीशा खुला तो फुल धुएं निकल रहे थे बाहर अंदर, पता नहीं क्या कहते हैं, धरने में बैठा था इसका मियां। डर गई। मैंने कहा मानी ये पीछे पड़ गए, मेरे कोई सीन है मानी, कहा तुम दिख लो, तुम वहां से निकल गई। इतनी देर में मानी का जहाज उड़ गया और मैं उनसे घबरा के मैंने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई, बिलावल हाउस की गली में मैंने गाड़ी ऐसे मोड़ ली, फिर धड़ 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 सारी मारती हुई मैं, वो पीछे थे भी नहीं, वो जा चुके थे कब के। उसके बाद हमने उनको पे किया, जिनकी वो गाड़ियां थी, इनकी गाड़ियां थी, वो ऊपर से फुल बॉयज उतरे ना आगे हिले गए। मुझसे आपकी गाड़ी लग गई भाई, मैंने अपने भाई बुलाए तो उन्होंने कहा ओके। फिर वो जो भाई आए, मेरे दोनों उम्र और तना जैसा जिंदगी, कहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम कुछ ये कहेंगे तो खराब हो गई, हालत खराब नहीं हुई, उन्होंने कहा सही है यार पैसे दे दे। हमारे इससे याद आया, इसी जुमले से, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम तो कुछ और है मगर यूनिवर्सिटी में उन्हें मिथन कहते थे। मिथन, अच्छा मिथन ऐसा था कि वो नहीं होते, वो एक फिल्मों से पहले एडवाइजरी आती थी कि भाई ये 16 VSNL है, इसमें वॉयलेंस है, ये है लैंग्वेज, उन कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी होती है 18। भाई मैं आपको बताऊं, हर खानदान में मिथन है, मिथन है, मिथन एक टाइप है जो तो आपको हर जगह मिलेगी। मैं ये एग्जांपल ला रहा था, चौड़े में रहते, फिल्म भी पे भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, होंडा के नाम से 98 में आई थी, मिथन चौड़े में रहते। मिथन का ऐसा था कि जब भी आप पूछोगे ना क्या चल रहा है मिथन, जाने कभी भी फायरिंग हो सकती है, कभी भी फायरिंग हो सकती है, हमेशा जैसे चाय के होटल बैठे थोड़ा नीचे हो गया, क्यों हालात खराब है हर वक्त। अब हुआ ये जैसे ना चौड़े में कैसे रहते थे कि मतलब जैसे मैं लैपटॉप पे ना, मैंने हेलीकॉप्टर लगा हुआ था चिनोक, तो उसकी तस्वीर लगी हुई थी मेरे लैपटॉप पे, तो मैंने कहा यार मित्र मेरा बड़ा दिल करता है इसमें एक बार बैठने का ना, पास में लगा शाही बैठा, कभी नहीं बैठा जैसे ये रोज बैठता बैठ रहा है। भाई ऐसे ही मिथन होते हैं जिनको बताओ कि हम जू गए थे, कहते अरे मेरे खुद बाग में हाथी दो मोर दो चीते इधर आ जाता। तो ये वाकया था कि एक दिन ना यूनिवर्सिटी में उस जमाने पार्टियों का बड़े मसले थे, तो फायरिंग चल, क्लैश चला था, मेरे अब्बा भी यूनिवर्सिटी में होते थे तो मैं उनके पास बैठा था, हम ऑफिस में बाथरूम में छुप गए, अब बाप बेटा बाथरूम में छुपे हुए, तो मैंने अपने दो दोस्तों को बोल दिया भाई फायरिंग हो रही मैं इधर छुपा हूँ। थोड़ी देर बाद मिथन का फोन आ गया, हेलो इधर है, मैंने कहा यार छुपा हूँ अब्बू के साथ, तूने टला और रिशान को क्यों फोन किया? मैंने कहा यार दोस्त थे उनका फोन आ गया, तो मैं मर गया हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई तू बता क्या करना है, और से सुन, मैंने सुना जब फायरिंग रुक जाए फिर निकलना।